तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर कोई लेना चाह रहा है तो आप उसको सजेस्ट करिएगा ये बाइक, सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर। तब मेन पॉइंट जो सबसे ज़्यादा सब लोग पूछता है कि मतलब माइलेज कितना दे रहा है बाइक अभी तक। जैसे अगर सिटी में हम बात करते हैं, सिटी में आप चलाते हैं तो कितना माइलेज देता है? फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आज हमारे सामने खड़ा है यहाँ पे ऑल न्यू बजाज पल्सर 220F का BS6 मॉडल, जो कि फ्रेंड्स 2021 वेरिएंट है और इसे परचेस किया था यहाँ पे हमारे इम्तियाज भैया ने। तो आज हम इनसे इसका ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं कि बाइक उन्हें मतलब कैसा अभी तक फील हुआ है चलाने में, कितना माइलेज वगैरह दे रहा है और क्या ये बाइक को ये सजेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम आए हुए हैं प्रयाग बजाज पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो प्रयाग बजाज में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इम्तियाज भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम इम्तियाज है और ये मैंने पल्सर 220 है प्रयाग बजाज से ही ख़रीदा है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप बाइक परचेस कब किए थे और कितना टाइम हुआ लिए? बाइक परचेस किए थे हम फरवरी 2021 में, लगभग 6 महीना हो गया बाइक का। 6 मंथ्स। तो उस टाइम जब आप लिए थे तो कितना आप प्राइस पे किए थे इसका? इसका 1,46,000 रुपया पे किए थे उस वक्त। 1,46,000 ऑन रोड। तो आप फाइनेंस में लिए थे कि कैश में? हम कैश में लिए, पूरा कैश। अच्छा, तो जैसे 1,46,000 रुपीज़ में आप लिए थे उस टाइम पर, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बाइक को आप इसको ही क्यों लिए और दूसरा बाइक को क्यों नहीं डिसाइड किया? क्योंकि ये बाइक मेरा एक तो ड्रीम था कि पल्सर 220 ही लेना है, क्योंकि इसका लुक बहुत बढ़िया है और दूसरा इसका रोड ग्रिप बहुत अच्छा है, चलाने में भी बहुत अच्छा लगता है, स्पीड काफ़ी बहुत। मतलब आप पहले चला रखे थे इसीलिए आप लिए? पहले 220 चला चुके थे इसलिए हम 220 लिए, क्योंकि रोड ग्रिप बहुत बढ़िया है, पिकअप अच्छा है, लुक में भी बहुत अच्छा है। तो और कोई दूसरा बाइक के बारे में सोचे थे मतलब 1,40,000 के आसपास का? डायरेक्ट यही ले लिए? डायरेक्ट हम यही सोचे थे, यही ले ही लिए। अब जैसे आप परचेस कर लिए तो लेने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? जैसे आप अभी इसको कभी तक चलाए तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा इसका? मतलब गाड़ी मतलब रोड ग्रिप बहुत अच्छा है, ब्रेकिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ABS भी है, इसमें सिंगल चैनल ABS है, सिर्फ आगे का ABS है, तो चक्का स्किड नहीं करता, चलाने में बहुत अच्छा है, पिकअप भी बहुत बढ़िया है। और जैसे अगर आप मतलब किसी तरह का कोई वाइब्रेशन वगैरह का दिक्कत इतना अभी आप जैसे कितना चला चुके हैं अभी तक? अभी तक हम लगभग 6,000 किलोमीटर चला चुके हैं। 6,000 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इन्होंने 6,000 किलोमीटर जो है बाइक को चला लिया है तो ये ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो BS6 गाड़ी जैसे आप लिए हैं तो पेट्रोल वगैरह का मतलब क्या है, कितना पेट्रोल आप रखते हैं अभी बाइक में? पेट्रोल कम से कम हमेशा हाफ टंकी रहता है, लगभग 6 से 8 लीटर। 6 से 8 लीटर हमेशा रहता है। और अगर हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस में वाइब्रेशन वगैरह का, अभी तक 6,000 किलोमीटर में कोई दिक्कत नहीं? अभी तक तो वाइब्रेशन नहीं है किसी तरह का कोई दिक्कत? इंजन से एक्स्ट्रा आवाज़ उवाज किसी तरह का कोई नॉइस नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं है, बस वो सर्विस के टाइम में सिर्फ चैन नॉइस था थोड़ा, वो सर्विस जब कराए वो भी ठीक हो गया। मैं जैसे काफ़ी लोगों का रहता है कि बजाज का इंजन से साउंड आने लगता है कुछ टाइम के बाद, तो वैसा कोई दिक्कत अभी तक तो वैसा कोई साउंड नहीं है? नहीं आया। तो जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं इंजन हीटिंग वगैरह का कोई इशू हुआ है अभी तक? मैक्सिमम कितना किलोमीटर आप चलाए हैं इसको? लगातार हम इसको लगभग 200-250 किलोमीटर तक चलाए हैं। 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर तक चलाए हैं तो कहीं मतलब बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं, लेकिन गर्म तो होता ही है। मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि पैर मतलब जल रहा है? ना, वैसा नहीं है, क्योंकि इंजन से पैर इसका दूर रहता है। अच्छा, इसका जो फुट रेस्ट है वो इंजन से काफ़ी दूर है, वहाँ ये इंजन का गर्मी पता नहीं चलता। और जैसे रात में चलाए हैं तो विजिबिलिटी को लेकर कोई दिक्कत है इसका? लाइट में कोई कमी नहीं? लाइट बहुत बढ़िया है, लाइट में भी बहुत बढ़िया है, मतलब लाइट में कोई इशू नहीं लगा है। और अभी जैसे मतलब इसमें आपको किक नहीं जो कंपनी मतलब अब दे रही है बाइक्स में, तो किक को लेकर कोई दिक्कत अभी तक हुआ जैसे बाइक अभी तक तो नहीं हुआ है? कहीं स्टार्ट नहीं हो रहा हो सेल्फ या इस तरह? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी न्यू बाइक ही है तो सेल्फ लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और पिलियन को आप लेकर चलते हैं या अकेले ही चलते हैं ज़्यादा? ज़्यादातर तो अकेले चलते हैं, कभी कभी पिलियन बैठता है। तो जैसे पिलियन जब बैठता है तो चलाने में किसी तरह का कोई दिक्कत होता है? नहीं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं। और सीटिंग कंफर्ट का अगर बात करते हैं, हैंडल हैंडल जैसे पकड़ने में कोई दिक्कत, झुकना पड़ता है या कुछ? उसके लिए तो मैंने पहले ही बताया कि हैंडल मतलब रोड ग्रिप इसका बढ़िया है, हैंडल पकड़ने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब अगर हम पिकअप भी चल रहे हैं तो उतना मतलब बोले तो ज़्यादा फील नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा पिकअप है, गाड़ी बैलेंस में रहता है गाड़ी। अच्छा, तो मैक्सिमम अभी तक आप टॉप स्पीड कितना लेकर गए हैं बाइक को? हम 110 चलाए हैं। 110 ले गए हैं, कोई दिक्कत हुआ था 110 में? नहीं, किसी तरह का गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है या ब्रेक वगैरह? नहीं यार, हम वो भी रात के टाइम में ही चलाए थे, उसके बाद फिर नहीं ले गए। नहीं। तो ये सब हो गया गाड़ी का मतलब फीचर्स वीचर्स का बात। अब मेन पॉइंट जो सबसे ज़्यादा सब लोग पूछता है कि मतलब माइलेज कितना दे रहा है बाइक अभी तक? जैसे अगर सिटी में हम बात करते हैं, सिटी में आप चलाते हैं तो कितना माइलेज देता है? एक्यूरेट तो हम नहीं बता सकते, बट लगभग मेरा वही सिटी में लगभग 30 से 34 तक देता होगा माइलेज सिटी में। और हाईवेज पर कितना माइलेज दे देता है? लगभग वही 40-42 तक दे देता है।
और सर्विस के बाद माइलेज कुछ बढ़ा है, कितना सर्विस अभी तक करवाए हैं? अभी तक दो सर्विस करवाए, तीसरा नहीं हुआ है ना, तो दो में जैसे शुरू में कुछ कमी मिल रहा होगा? हाँ, मतलब उतना हम शुरू में ध्यान नहीं दिए थे, उसके बाद लेकिन अभी माइलेज उतना दे रहा है, 40 के आसपास दे रहा है, उतना दे रहा है। तो माइलेज से ज़्यादातर तो हम सिटी में ही चलते हैं, तो 30-35 का एवरेज है माइलेज का। माइलेज से सेटिस्फाई है आप? हाँ ठीक है, हम तो सोच के भी लिए थे कि 30 से ज़्यादा क्या देगा, मतलब लेकिन उससे बढ़िया ही दे रहा है, मतलब जैसे जितना उम्मीद था उतना दे रहा है। हाँ उतना दे रहा है। तो BS6 में कुछ जैसे माइलेज में फ़र्क पड़ा है पहले के कंपेरिजन में? पहले की गाड़ी तो हम 220 चलाते नहीं थे, लेकिन हाँ ये माइलेज बढ़िया है, मतलब BS6 में थोड़ा माइलेज तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट मिला ही होगा। हाँ पहले वाला लोग बोलता है क्या, मतलब आज इंजन रिफाइनमेंट भी अच्छा लगा होगा पहले से। तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर कोई लेना चाह रहा है तो आप उसको सजेस्ट करिएगा ये बाइक, सीधा सीधा क्वेश्चन सीधा सीधा आंसर? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता आप एक टेस्ट राइड ले लीजिए। टेस्ट राइड लेने के बाद हमको लगता है कि अगर 50 कस्टमर अगर टेस्ट राइड लेगा इसका, तो हमको लगता है अगर वो लेने का इच्छुक है तो उसमें 40 तो कम से कम ले गए, मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो मतलब आप सजेस्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो किसी तरह का कोई भी इशू अभी तक नहीं है आपको? नहीं अभी तक तो फिलहाल कोई भी इशू नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स, भैया ने हमारा काफ़ी हेल्प किया है, इन्हें थैंक्स बोलना चाहेंगे अपने तरफ से। आपको और भी कुछ अगर पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स।